भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ मैं बेग बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है मेरी लाइफ में, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में और दिखाने वाली हूँ आपको कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए मुझ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है कि मुझे फाइनली अपनी पहली पेमेंट रिसीव हो गई है गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से। मुझे 4 ईयर्स हो गए हैं इस चैनल पे और मैंने मतलब फर्स्ट पेमेंट रिसीव की है। ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत स्लो है चैनल, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बट वीडियोस भी मैं डालती रहती हूँ। पता नहीं आप लोगों को उसमें पसंद नहीं आता, कमेंट करके मुझे बताइए ना कि आप क्या देखना चाहते हैं, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। आप ज़रूर बताइए कि कैसे कैसे और कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उन पे वीडियोस बनाऊं, उन टॉपिक्स को लूं और उन पे वीडियोस बनाऊं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी शेयर करने वाली थी कि दिवाली वाले दिन ही मुझे रिसीव हुई मेरी पेमेंट। और इमेजिन, दिवाली एक मतलब लक्ष्मी जी का त्यौहार है, लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, उस दिन मुझे अपनी गूगल से रिसीव हुई पेमेंट, गूगल एडसेंस से सब कुछ। मतलब पहले फिर एकदम से मुझे मेल आई, एक बार मुझे एक मेल आई थोड़े दिन पहले ही, मतलब 3-4 दिन पहले, कि आपके पेमेंट क्रेडिट कर दी गई है। उतनी ही पेमेंट आई है जितनी थ्रेश होल्ड एक होता है, उतना ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। तो मतलब ये नहीं सोचे कि बहुत सारी पेमेंट आई है, बहुत कुछ उतना ही आया, अभी थ्रेश होल्ड उतना ही है तो उतना ही आया है। अब मुझे नहीं पता अगले महीने आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, अब मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ऐसी कोई भी मेल अभी नहीं आई है गूगल की तरफ से। अभी जो हाल फिलहाल मेरे साथ जो हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वही उतने ही डॉलर्स आए थे मेरे अकाउंट में, तो उनसे मैंने क्या खरीदा, इस पे शॉपिंग मैंने क्या की, अपने लिए क्या लिया, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखते देखते जाइए, आगे आगे बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये अपने छोटे से एक्सीडेंट के बारे में बता दूँ। मेरा हाथ जल गया था दिवाली वाले दिन नहीं, धनतेरस वाले दिन, इस पर गर्म गर्म चाय गिर गई थी, तो अभी तक मैं अफेक्टेड हूँ और अभी मैं कुछ ज़्यादा इसकी मूवमेंट कर नहीं पा रही हूँ। चाय गिर गई थी, काफ़ी ज़्यादा जल गया है हाथ, तो मुझे इस तरह से बैंडेज लगा के अभी थोड़े दिन रहना पड़ेगा, बट रिकवरी मोड में है। आपकी दुआएं हैं और आपका साथ है तो सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। ऑब्वियसली एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज्वेलरी। हर कोई इंसान अपनी मतलब ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड की ज्वेलरी लेता है, कोई सिल्वर की लेता है, बट मेरे बजट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि मेरा बजट था, जितने मेरे पास आए पैसे उसके हिसाब से बस मैं सिल्वर ज्वेलरी ही अफोर्ड कर सकती थी, तो वही मैंने ली। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी ज्वेलरी मैंने ली है और कैसी मतलब वो कैसी निकली है, उसका रिव्यू भी करने वाली हूँ। तो एक इंस्टाग्राम स्टोर है रिगालिया ऑर्नामेंट्स, रिगालिया स्टोर से मैंने लिया है। ये सबसे बड़ी बात तो ये लक्ष्मी नगर में ही है जहाँ पर मैं रहती हूँ, मतलब मेरा घर है लक्ष्मी नगर में ही, अब मैं लक्ष्मी नगर में ही बैठी हुई हूँ, तो लक्ष्मी नगर में ही है इनका स्टोर। तो दिवाली से मैंने एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन ही ऑर्डर किया था, बट मुझे कल वो रिसीव हुआ है मेरा ऑर्डर, और वो भी मैं जाके लेके आई हूँ क्योंकि पास में ही था तो मैं चली गई थी और ले आई थी। तो ये हुआ था क्योंकि उनकी डिलीवरीज भी ना दिवाली के टाइम पे सस्पेंड हो जाती हैं, वो लोग भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। तो मैंने उनको बोल दिया था, तो उन्होंने अपने सर्वेंट का नंबर दे दिया था और वो मुझे मिल गया था आधे रास्ते पे मैं चली गई थी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके मैंने उससे ले ली थी ज्वेलरी का पैकेट। तो ये पैकेट मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ है, रिगालिया ऑर्नामेंट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, मल्टी लेयर, काफ़ी सारे नेकलेसेस मैंने इनसे ऑर्डर किए थे और इनकी सेल भी चलती रहती है, तो बहुत बहुत ही अमेजिंग इनकी ज्वेलरी निकलती है। तो ये सबसे पहला मैं सेट दिखाना चाहूँगी। ये सेट मैंने ऐसी कौन सी ब्लॉगर है जिसपे नहीं पहने हुए देखा, और ये जब भी मैंने इसका रेट पता किया तो ये मेरे बजट से बिल्कुल बाहर ही निकला, तो इस बार मुझे रिगालिया से थोड़ा सा अपने बजट के अंदर ही मिल गया। You won't believe this is for just for 500
600 समथिंग अराउंड, और ये उतने का ही है। ये देखिए कितना ग्रैंड सेट है, कितना ह्यूज है। इसको मैंने टी शर्ट पे पहना हुआ है और ये क्या कमाल का लग रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है ये। इसको आप किसी भी प्लेन आउटफिट के साथ पहन लेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए एंड तक, बिल्कुल यहाँ तक इसका डिजाइन बना हुआ है, यहाँ तक, और इस तरह से है इसका डिजाइन। कितना ज्यादा ग्रैंड और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सा नेकलेस है ये। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है जो मेरी परचेज है, तो मैं इसी को पहनकर अब मैंने सोचा वीडियो भी इसी को पहन के बनाती हूँ। ये देखिए ऊपर करके दिखाती हूँ मैं आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये फेस्टिवल्स के टाइम पे आप पहन सकते हैं, आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पे भी पहन सकते हैं, आप इसको कहीं भी कैसे भी इसको पेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ, इंडो वेस्टर्न के साथ, या फिर एथनिक के साथ। ये सबके साथ अमेजिंग लगेगा, कोई भी सिंपल सी मतलब आउटफिट को ना ये एकदम से एलिवेट कर देगा, बहुत ही ब्यूटिफुल और ग्रैंड बना देगा। तो ये है मेरा फर्स्ट सेट। इसके नीचे कॉइंस, ये पैटर्न जो है ना, ये अफगानी पैटर्न है। ऐसा पैटर्न है ना अफगानी ज्वेलरी में होता है, और अफगानी ज्वेलरी ही ये लोग बेचते हैं, रिगालिया ऑर्नामेंट्स। देखिए इंस्टाग्राम स्टोर है, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं बगैर किसी से बात किए हुए। मैसेज करो कि इसका प्राइस कितना है, इसका कितना है, इसका क्या है, तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाइए इनकी, और सीधा इनकी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग कर लीजिए, किसी से कोई मच करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको ये सामान मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट कौन सा है सेट। फ्रेंड्स सेकंड पीस ऑफ ज्वेलरी जो मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह का दिखता है, मल्टी लेयर ग्लास चोकर विद इयररिंग्स। इयररिंग्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं फ्रेंड्स। इयररिंग्स तो हम अकेले मतलब सिर्फ इयररिंग्स पहन सकते हैं, तब भी कैरी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत सेट लग रहा है। इस टाइप की ना इयररिंग्स और इस टाइप का सेट अगर आप कुर्ती पहनते हैं ना प्लेन कुर्ती के साथ, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें जैसे रेड कलर है, येलो है, ब्लू है, तो उस टाइप के ही कुछ कलर्स के साथ आप इसको पहन सकते हैं। येलो के साथ तो ये बहुत बहुत ही गजब लगने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल सेट है। ये देखिए ये सेट भी 400 के अराउंड ही था, बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस पे ग्लास ज्वेलरी वहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं और भी डिज़ाइन से मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया। बाकी आप और भी देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। इयररिंग्स तो नहीं कहूँगी मैं, हाँ नेकलेस लाइट वेट है और आराम से पहना जा रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार, सच में ये ऐसे पीसेज हैं कि बस इनको देखते ही जाओ, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सिर्फ इनको एक कुर्ते पे पहन लो, व्हाइट कुर्ते पे पहन लो, व्हाइट चिकनकारी कुर्ती पे, सिर्फ एक यही इयररिंग्स ही पहन लो और तभी मतलब इतना अच्छा फील आएगा, इतना अच्छी वाइब आएगी, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड पीस है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये, और कैसे ज्वेलरी पीसेस लगे, कैसे आपको पसंद आए, या फिर या मैंने ज़्यादा महंगे ले लिए, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद आए ये ज्वेलरी पीस। ये ग्लास वर्क है, एक्चुअली ये ग्लास नहीं होता है, एक ना मतलब कुछ प्लास्टिक का सा होता है जो शाइनी होता है, वो इस टाइप में कट करके इसके ऊपर लगा होता है। कई बार ये निकल भी जाते हैं बट फिर हम इसको फेविकोल से जोड़ सकते हैं इसको आराम से, तो ये कुछ इस तरह का होता है। बट दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फिर से बोहो ज्वेलरी का ना ट्रेंड आ गया, फिर से सभी लोग मतलब ज़्यादातर मैंने अपनी मार्केट में, लोकल मार्केट में भी इसी टाइप की ज्वेलरी देखी है, और मतलब इस डिज़ाइन की नहीं, इसी टाइप की कुछ ब्लैकिश में और वाइटिश में, तो इसी टाइप का कुछ मिलता है। फिर से ट्रेंड में वापस आ गई ये सारी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चिकनकारी कुर्तीज़ पर तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी, प्लेन कुर्तीज़ पर आप आराम से इसको पहन सकते हैं, वाइट टी शर्ट के साथ और ब्लू डेनिम के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगने वाला है। तो ये सेकंड पीस है। तो फ्रेंड्स थर्ड सेट कुछ इस तरह से है। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रैंड लग रहा है ये,
ये डुअल टोन में है, ये सिल्वर और गोल्डन दोनों में मिक्स है। ग्रीन कलर के ये इसके पीछे ये डिजाइन है, ग्रीन कलर का है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और ये घुंघरू घुंघरू से है। ये इसके इयररिंग ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है। इसको आप पूरा दिन कैरी करना पड़े अगर, तो आप कर भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम गला भरा भरा लग रहा है। और इसको आप इवन पार्टी वेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं, पार्टी में भी पहन सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है या सूट पहना है ऑफकोर्स, तो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्लैक कलर के ऊपर कितना उठ के आ रहा है ये। आई लाइक द वे इट लुक्स, इट्स अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटिफुल, रियली इट्स मेस्मराइजिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत ही गजब लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारी दिल्ली की भाषा में अगर बोलें तो एकदम कती जहर लग रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। ये देखिए ये सेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कम शायद अच्छा लग रहा है, पर मुझे बहुत बहुत पसंद आया ये सेट। मैंने पहली बार आपके सामने ही पहन के देखा है इसको। मैंने ओपन कर लिया था बॉक्स, देख लिया था कि उसमें पूरा सब कुछ सामान है कि नहीं है, बट अभी भी मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें अभी दो आइटम अभी नहीं आई, अभी नहीं मिली है मुझे। वो सावरी मैडम ने बोला था, रिगालिया की जो ऑनर है सावरी गुप्ता, तो उन्होंने बोला था मुझे कि अभी वो अंडर मेकिंग है, अभी फिनिशिंग उनमें बाकी है, तो वो आपको 4-5 दिन के बाद मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आपके साथ शेयर करना था मैंने कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट का मैंने क्या खरीदा है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। बस मैं तो बस इसको पहन के ऐसी बैठी रहूँ, देखती रहूँ इसको कि कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटिफुल लग रहा है। तो ये था मेरा थर्ड सेट। बस अब आज के वीडियो में बस इतने ही लेके आई हूँ मैं, क्योंकि यही मुझे काफ़ी महंगे पड़ गए। 2-2.5 हज़ार की शॉपिंग मैंने इन्हीं में ही कर ली है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, ये थे आज के कुछ ज्वेलरी सेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। ये देखिए मैं आपको क्लोजर व्यू देती हूँ इसका। ये सिल्वर ब्लैक पॉलिश वाली सिल्वर है, और ये सिल्वर और गोल्डन कलर के घुंघरू लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर ऊपर गोल्डन है, नीचे नीचे सिल्वर है, कुछ इस तरह का है ये। तो फ्रेंड्स ये था ग्रैंड थर्ड सेट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।